हेलो भाई, बिभोर आनंद केस में बिभोर आनंद के पिता के द्वारा एक बड़ी अपडेट आ रही है गाइज। ये अपडेट किसने दी और कैसे पता चली मैं वो आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बिभोर आनंद के जितने भी फैंस हैं उनके लिए एक दुख वाली बात है कि बिभोर आनंद को आज बेल नहीं मिला है। सूत्रों से पता चला है कि बिभोर आनंद को जो है जो केस है जो आज सुनवाई होने वाली थी उनके बेल की अब एक्सटेंड करके 23 को कर दिया गया है। अब उनको 23 तक कस्टडी में ही रहना पड़ेगा साइबर सेल के, अभी उनको आज जो है बेल नहीं मिली है। गाइज मैं आपको बता दूं कि बिभोर आनंद के एक करीबी ने, सॉरी बिभोर आनंद के जो पिता है उनके एक करीबी ने एक ट्वीट करके बताया है कि बिभोर आनंद के पिता से उसकी बात हुई है और उसने ट्वीट करके बताया है कि बिभोर आनंद के पिता ने बोला है कि बिभोर आनंद की जो लाइफ है वो डेंजर है, डेंजर में है, क्योंकि बिभोर आनंद को और दूसरे दूसरे केस में मुंबई साइबर सेल जो है फंसाने की कोशिश कर रही है और उनको जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा, उनको काफी टाइम तक जेल में जाना पड़ सकता है। गाइज आइए मैं आपको वो ट्वीट दिखा देता हूँ। गाइज आप देख सकते हैं कि रिक डी करके एक प्रोफाइल है जिस पर ट्वीट किया गया है, 957 फॉलोअर्स हैं इनके। इन्होंने एक ट्वीट किया है बिभोर आनंद के बारे में और बिभोर आनंद के बारे में इन्फॉर्म किया है, बिभोर आनंद फादर इन्फॉर्म बिभोर माइट बी इम्प्लीकेटेड इन मोर केस एंड मे टेक लॉन्गर फॉर हिम टू रिटर्न कोटिंग हिम बिभोर कुड बी इन डेंजर टू एंड कुड बी टॉर्चर्ड किल्ड इन साइड जेल टू। इन्होंने लिखा बिभोर आनंद के बारे में बताया है कि बिभोर आनंद के पिता जो है उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि बिभोर आनंद को और बहुत सारे केस में फंसाने की कोशिश की जा रही है, फंसाया जा रहा है और हो सकता है कि बिभोर आनंद अब जल्दी वापस ना आए, जेल से वापस जल्दी ना आए। और साथ में इन्होंने लास्ट में लिखा है बिभोर कुड बी इन डेंजर टू एंड कुड बी टॉर्चर और किल्ड इन साइड जेल टू। इन्होंने सीधा सीधा ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म किया है गाइज, आप देख सकते हैं। और 23 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है कस्टेडियल रिमांड पे जो है, अभी जो कस्टडी में हैं अभी बिभोर आनंद को 23 तक कस्टडी में ही रखा जाएगा, उसके बाद फिर सुनवाई होगी 23 को, उसके बाद उनको बेल मिलती है कि नहीं उसके बारे में गाइज 23 को ही पता चलेगा। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।